टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर को अपने दिमाग की बात कहने के लिए जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संपन्न T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि केएल राहुल के बजाय कप्तान कोहली तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते देखना चाहते हैं। अब पूर्व ओपनर ने कहा कि टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 6 दिसंबर से एडलेड में होने वाले पहले टेस्ट में वह पृथ्वी शॉ और मुरली विजय को ओपनिंग करते देखना चाहते हैं। गावस्कर ने कहा, शॉ पहले ही टेस्ट में जरूर खेलेंगे। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज और फिर न्यूजीलैंड में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। राहुल का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा। अगर राहुल ऑस्ट्रेलिया में भले ही T20 सीरीज में सही नहीं रन बनाते तो हम उनके पहले टेस्ट में खेलने के बारे में बात करते, मगर वह इसके पूरी तरह नाकाम रहे और टेस्ट में टीम में उनकी जगह नहीं बनती। लिटिल भास्कर ने कहा, मेरे ख्याल से पृथ्वी शॉ और मुरली विजय को पहले टेस्ट में ओपनिंग करनी चाहिए। विजय ने लंबे समय से विदेशी दौरा का अच्छा प्रदर्शन किया है। इंग्लैंड में जरूर वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके, लेकिन ऐसा हर खिलाड़ी के साथ होता है, मगर वह अच्छे खिलाड़ी है और मैं शॉ के साथ ओपनिंग करते देखना पसंद करूंगा। दोनों पर्याप्त संयोजन बनाएंगे। शॉ सेवक जैसे आक्रमक बल्लेबाजी करते हैं, वही मुरली एंकर की भूमिका निभाते हैं। सीनियर खिलाड़ी विजय और अजिंक्य रहाणे जल्दी आउट हो गए, लेकिन पृथ्वी शॉ और हनुमा विहारी ने भारत ए की तरफ से न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले अनधिकृत टेस्ट में उमदा पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए अच्छा अभ्यास किया। विजय ने काउंटी क्रिकेट में एसेक्स के तरफ से ट्रिम डेब्यू करते हुए शानदार शतक जमाया था। PM News 24 की रिपोर्ट।